एक वार्तालाप में बोला है कि 4.5 लाख कम आठ वर्ग में धरेंगे, 4.5 लाख कम आठ, मतलब आठ के अलावा सब वर्ग में धरेंगे। 4.5 लाख तो 2017-18 में आठ कम 4.5 लाख, हाँ आठ कम 4.5 लाख, 4.5 लाख तो 2017-18 में होंगे, तो वर्ग में तो 2030 में संपूर्ण विनाश बताया गया है। बर्फ जाम होगी जय अभिमानियों के लिए या आत्मा अभिमानियों के लिए, और आठ जो है वो जय अभिमान में रहेंगे अंत तक, जय अभिमानी उनका खलास हो जाएगा। नहीं ये टाइम की बात है, 2017-18 चलो टाइम वो 18 हो या 36, लेकिन जो आठ होंगे वो कोई प्रकृति की मार सहन नहीं करेंगे, न प्रकृति की मार सहन करेंगे न धर्मराज प्रजाएं अनुभव करेंगे। संपूर्ण नाश होगा भारतवर्ष के तीन तट हैं समुद्री, एक पूर्वी तट, एक पश्चिमी तट और एक हिंद महासागर जिसे कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर और एक दक्षिण वो हिंद महासागर, और तीनों में कोई बम्बार्डमेंट डाल कर दे तो समंदर का पानी खोलेगा या नहीं खोलेगा, तो जोर से खोलेगा, तो मूसलाधार बरसात कहाँ ज्यादा होगी, पहले तो भारत में ही होगी, लगातार मूसलाधार बरसात लंबी बरसात हो जाए तो मौसम कैसा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है, अभी भी खूब गर्मी पड़ती है, खूब गर्मी के बाद बरसात हो जाती है तो मौसम क्या हो जाता है, अभी भी जब इतना असर असर होता है जैसे 2-3 दिन 4 दिन ज्यादा बरसात होती है और वहां लगातार बरसात अगर हो गई तो मौसम सारा एकदम ठंडा, टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर गिरेगा तो बर्फ भी गिर सकती है, नहीं गिर सकती, गिर सकती है, बर्फ में जिसको फिर गर्मी होगी उनको समय एक समय की बात, एक देशीय बात नहीं है, सन 36 में ही जाकर के सारी दुनिया में बर्फ छा जाएगी, बम्बार्डमेंट तो धीरे धीरे होता रहेगा, एक साथ होना ही जरूरी है, है? जब दीपावली होती है यादगार दीपावली मनाई जाती है या दशहरा मनाया जाता है तो रावण को जब जलाते हैं बम्बार्डमेंट करते हैं बम्बियां छोड़ते हैं ना यादगार में छोड़ते हैं, जब रावण जला था तो बम्बियां छोड़ पटाखे छोड़े, यादगार किसकी है, सारी दुनिया में से रावण राज्य के बनने की यादगार है ना, अभी अमेरिका को ज्यादा देवान है या मुसलमानों को ज्यादा देवान है, अमेरिका को ज्यादा देवान है, सब छोटे छोटे देशों को हम करता जा रहा है, अपने कंट्रोल में करता जा रहा है, मुसलमानों के लिए तो बोला है ये पहले मरेंगे, मुसलमानों में खास इस्लामी है उनके लिए, क्योंकि इस्लाम धर्म ही इस धरती पर विधर्मियों के बीच में पहले पहले आया, जो पहले पहले आया वो ही पहले 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 मरेगा, इस्लामी पहले मरेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो काम विकार वाले हैं वो पहले नहीं जा पाए, क्या क्रोध विकार वालों में ज्यादा अहंकार होता है या काम विकार वालों में ज्यादा अहंकार होता है,
अहंकार दे अहंकार अहंकार की स्टेज में ज्यादा कौन है अभी मुसलमान है दुनिया में इस्लामी भी है और क्रिश्चियंस भी है ज्यादा अहंकार किसमें भरा हुआ जो एटम बम बनाए बैठे उन्हीं में तो ज्यादा अहंकार भगवान अहंकारियों को माफ नहीं करता पहला दूसरा तीसरा चौथा विकार जिसमें है उनको फिर भी माफ करता है अब काम विकार को बहुत नीचे दृष्टि कामियों को बहुत नीचे दृष्टि से नहीं देखता भगवान से जाता जितने भी गृहस्थी है सब सब गिरी हस्ती है सब काम विकार में गिरे हुए उनको नीचे नहीं मिलता क्या देखता है ये भी ऊंच थे सब ही गिरंग में आकर नीचे गिरते तो दुनिया में सबसे पहले इस्लामी जाएंगे और 2008 में बाबा के बच्चे का मामला वो खोल जाएंगे क्या कहा है ना बाबा के बच्चे बने रूह बने रूह बन गए बाबा के बच्चे माना रूहानी बाप तुम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं या देह अभिमानियों को पढ़ाते हैं 2008 में सब रूह बन जाएंगे नहीं बनेंगे तो कैसे बन जाएंगे ये कारण ये बताया कि 2007 के बाद में 2008 में तो बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे कहीं बताया कि किसी सीढ़ी में किसी मुर्गी में किसी लिटरेचर में किसी लेटर में किसी ईमेल में कहीं ऐसी ऐसी बात बताई कि 2008 में सब माउंट आबू पहुंच जाएंगे अरे रूह बनने की बात है जो रूह है रूहानी स्टेज में है सदा काल रूहानी स्टेज में है वही रूहानी दुनिया में रहेगा या दूसरे कोई रहेगा परमनामी स्टेज की अनुभूति होने लगे इस दुनिया से जैसे खाक उड़ पड़ी इससे कुछ लेना देना हमको है नहीं पाना था तो पा लिया अब इस दुनिया से कुछ नहीं है सब मरे पड़े इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब बस हुआ बड़ा बसम बन गई मेरे साधु संत महात्मा होते हैं शंकर जी होते हैं उनको क्या रमाई हुई देख दिखाते हैं पूरे शरीर में क्या रमाई हुई बसम रमाई तो क्या मतलब हुआ आत्मा जो है वो रियलाइज कर चुकी ये सारी दुनिया भसम हुई भसम हुई पड़ी है आज ये आंखों से दिखाई पड़ रहा है बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगे मल्टी मिलियनायर और बड़े बड़े सुखी लोग दिखाई पड़ रहे हैं और कल ये सब खत्म हो गया ये शरीर रहते रहते ही खत्म होने वाले हैं ये शरीर खलास हो जाएगा तब खत्म होंगे शरीर रहते भी खत्म हो जाने वाले हैं ऐसी स्टेज लगातार बन गई को कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या कोई इच्छा नहीं कुछ लेना देना नहीं और साथ के लिए दो रोटी मिल रही है तो भी ठीक अच्छा भोजन मिल रहा है तो भी ठीक अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो भी ठीक अंडरवुड मिल जाए तो भी ठीक राजपूत का महान मिल जाए तो भी ठीक महल मिल जाए तो भी ठीक और वो भी ना मिले आकाश ओढ़नी और जमीन तो भी ठीक एक रस स्थिति बनी देखने वाले भी कहे किसकी एक रस स्थिति बनी हुई है और अपनी आत्मा को भी ये अनुभव हो कि एक रस स्थिति बन गई बाबा कृष्ण का जन्म होगा तो अनेक आत्माएं भी तो देवी आत्माएं जन्म लेंगी ना अनेकों देवी आत्माएं भी तो जन्म लेंगी ना देवी देवता जन्म लेंगे कृष्ण के साथ साथ
और क्या पीपल के पत्ते पर अकेला करना आएगा क्या? तो उनको तो फिर बरसों में नहीं याद करना पड़ेगा। शास्त्रों में बात देखा, आप किस कृष्ण को याद कर रहे हैं? अभी जो 18 में भी जन्म लेगा। आप किस कृष्ण को, देह वाले कृष्ण को याद कर रहे हैं या जो कृष्ण शास्त्रों में जिसका नयन है उस कृष्ण को याद कर रहे हैं? आपकी आत्मा कौन से कृष्ण को याद कर रहे हैं? हम तो बाबा को ही याद करते हैं, कृष्ण को याद ही नहीं कर रहे। आप राधा को याद करते हो? बाबा को याद करते हैं। फिर राधा कृष्ण के बारे में क्यों पूछे? नहीं, ये कि जो बर्तन में लगने वाली बात जो आई ना, बर्तन में जो लगेंगे उनकी जो बात आई, तो जो कृष्ण के साथ में जो जन्म लेंगे उनको तो उसमें नहीं दबना पड़ेगा क्योंकि वो तो साथ ही 18 में जन्म लेती चली गई। वहाँ वहाँ प्रकृति शांति होगी क्या? लेकिन उस समय सवाल ये है, आपकी बुद्धि में कौन सी कृष्ण के पीछे आपकी बुद्धि जा रही है? 63 जन्म आपकी बुद्धि वास्तव में कौन से कृष्ण के पीछे लगी रही? कृष्ण को में पैदा होने वाले कृष्ण के पीछे बुद्धि लगी रही या संगम युग वाले कृष्ण के पीछे बुद्धि लगी रही? 63 जन्म का आपका बुद्धि का जो हिसाब किताब है वो कौन से कृष्ण के साथ लगा रहा? अभी तो शरीर में जो पहला जन्म जिसका होगा उसके लिए, शरीर के साथ जो जन्म लेगा उसके साथ आपकी बुद्धि लगी हुई? नहीं, वो जब देवता जन्म लेंगे तो वो भी वो पहले जन्म लेगा ऐसे कहते हैं। हमारा बुद्धि संगम भी कृष्ण के साथ नहीं लगी हुई, बुद्धि किसके पीछे लगी हुई है? तो संगम का कृष्ण तो फिर नारायण ही बन जाएंगे ना, नारायण बन जाएगा वो नेक्स्ट गॉड होगा या सत्य में पैदा होने वाला कृष्ण नेक्स्ट गॉड होगा? नारायण बने कहाँ जानी चाहिए? नारायण में बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। ये चारों ही बातें बोली हैं। तो जिस कृष्ण के लिए बोला नेक्स्ट टू गॉड वो कौन सा कृष्ण है? संगम कृष्ण, बच्चे के रूप में पैदा होने वाला कृष्ण होगा क्या? तो वो हम देखें कौन सा कृष्ण आना चाहिए? संगम युग कृष्ण आना चाहिए। तो बाबा ये हम आंखों से देखेंगे क्या? ये नारायण बन गए और उनके सन्मुख हम हैं। इन आंखों से कोई चीज देखी जाती है तभी माना जाता है। ज्योतिबिंदु शिव को इन आंखों से देख रहे हैं आप? नहीं, वो तो अनुभव कर रहे हैं। तो उनको दूसरी आत्मा को आप अनुभव नहीं कर सकते? जब एक आत्मा को अनुभव कर सकते हैं तो दूसरी तीसरी चौथी और 16,000 आत्माओं को अनुभव नहीं कर सकते? नहीं, तो उनके समक्ष हम होंगे ना, उनके साथ में। अभी आप शिव बाबा के समक्ष हैं या नहीं है इस दुनिया? वो तो निराकार है लेकिन ये तो साकार में होंगे ना। निराकारी स्टेज बन जाएगी उनकी। जो निराकारी स्टेज वाले होंगे वो ही पहचान पाएंगे, रूह ही रूह को पहचानेगी, दे अभिमानी नहीं पहचान पाएंगे, अभी भी नहीं पहचान पा रहे। अभी सब जितने भी बीकेज हैं उनकी बुद्धि किस कौन सी कृष्ण का इंतजार कर रही है? सतगुरु में जो कृष्ण पैदा होगा बच्चे के रूप में, देह के रूप में, उस कृष्ण के साथ बुद्धि लगती है। एडवांस पार्टी में भी बहुत से हैं ढेर सारे, उनकी बुद्धि उस कृष्ण के साथ नहीं लग रही है जिस कृष्ण को नेक्स्ट गॉड का है। एडवांस में बहुत से लोगों ने ये नहीं समझ लिया कि 18 में जो कृष्ण पैदा होगा वो बच्चे के रूप में पैदा होगा? हम तो बाबा यही समझ रहे हैं, साकार बच्चे के रूप में पैदा होगा। नहीं, बहुत लोग समझ सकता है अरे वो कल खिलाने को नहीं मिला तो क्या फायदा है? एक 2,000
यही तो सब समझ रहे हैं बाबा, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। अच्छा संगम भी कैसे होगा तो वो नारायण नहीं बनेगा, राजसत्य उसको नहीं मिलेगी। और से तो ये बात सुनकर कह रहे सत्य तुम्हें क्या नंगे रहेंगे। बच्चे नहीं करते खाली डायरेक्ट सुनते ना उनको अचंभा होता है। अरे वहाँ भाई बहन बन के पैदा होंगे, साथ साथ पैदा होंगे और साथ साथ शादी करेंगे। इनकी परीक्षा हो रही कौन से कसर में कुछ लगी हुई है, कौन से कृष्ण में बुद्धि लगी हुई है, देवता में बुद्धि लगी हुई है या भगवान कृष्ण में बुद्धि लगी हुई है। ये तो कह रहे हैं बच्चे के रूप में वो बच्चा और जन्म का मतलब क्या है, जन्म का मतलब क्या है, जन्म माने प्रत्यक्षता, पेट के अंदर है तो अप्रत्यक्ष है, पता नहीं बच्चा है कि बच्ची है कि क्या है, मरा हुआ पैदा हुआ कि जिंदा पैदा हुआ कुछ पता नहीं, प्रत्यक्ष हुआ बाहर आया सबको सबको जानकारी हो जाए। जैसे वाले तो उसी प्रश्न का होगा ना, माताएं भी ये बात सुन करके बहुत सी माताएं भी रह रहे हैं। बाबा 2000 में राज सिलेक्टर वही प्रश्न का होगा ना जो 18 में जन्म लेगा, जो 18 में जन्म लेगा उसी को राज्य करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा पर 2036 में कृष्ण से नारायण बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं कृष्ण से नारायण पर वो बनेगा, कौन सा नारायण बनेगा, पहले नर नारायण बनेगा कि पहले लक्ष्मी नारायण बनेगा, नर नारायण तो पहले बनेगा पर राज तिलक किसको होगा, राज तिलक जो है एक होता है स्थूल में और एक होता है तुलसीदास चंदन जिसे सारी दुनिया जान जाएगी कि ये असली नारायण है जिसकी सत्यनारायण की कथा होती है, ये असली कृष्ण है जिसके साथ कंस का युद्ध दिखाया गया, जिसके पीछे कंस पड़ा हुआ था। तो मुरली में कई बार बताया है कि पूरा विश्व जान जाएगा, तो कौन सी कृष्ण को जान जाएगा, अंग्रेज लोग कहते हैं लाड कृष्ण, वो लाड कृष्ण कौन से कृष्ण को कहते हैं लाड कृष्ण, भगवान किसके तो होंगे, वहां तो किसके तो होंगे ही नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में कच्चे से भी घुसे हुए नहीं है, कच्चे धर्म की भी रूप आत्मा भी आधारभूत आत्मा भी है। बाबा इसके बाद बताओ कि हम जो प्रश्न को याद कर रहे हैं, कौन से प्रश्न को आप याद करते हैं, कोई प्रश्न याद आता है आदि आदि बुद्धि बेसिक नहीं हो, सामने वो तो बैठे हुए हैं लेकिन जो लेकिन नारायण चाहेंगे तो वो पहले बालक तो नहीं बनेंगे ना, वो नारायण लक्ष्मी नारायण रूप में ही बड़े होंगे ना, डॉक्टरों ने जिस बाल कृष्ण की लीलाएं दिखाई है वो प्रैक्टिकल में साकार में छोटा बच्चा था, यह सिर्फ समझने की बात है, वो तो अभी ज्ञान से अपन समझने की समझ की बात है, तो त्रेसर जन्म को कौन से कृष्ण को याद किया, वो उस प्रश्न को याद किया, किस कृष्ण को, सचिव पैदा हुआ जो सचिव पैदा हुआ, हाँ सचिव में पैदा हुआ उसको तो याद ही नहीं किया, उसको तो जानते ही नहीं,
फ्री नहीं है साथ में दादा लेकर जन्म को लेगा तो हम अधिक समय नारायण की पूजा होती है ना की बात क्यों होगा शक्ति का बात आ जाएगा साढ़े बारह को अच्छी बात बात है सारी दुनिया का विनाश होगा सारी दुनिया खराब हो जाएगी तो जब सारी दुनिया खराब होगी तो सारी शक्ति पर क्या हो जाएगा बर्फ ही बर्फ हो जाएगी थोड़ा सा तबक्का रहेगा कहीं जहाँ प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा अब हम तो बच्चे हैं ना आप कौन से कृष्ण को याद करते हैं हम तो कृष्ण की आप मरने वाले कृष्ण को याद करते हैं या अमर कृष्ण को याद करते हैं हम तो अभी केवल एक बाबा को बुद्धि में बसा रखा है और किसी को भी बसा रखा है लेकिन ये चर्चाएं होती हैं तब ये पूछा लेकिन लगा हुआ है लेकिन बाकी ना बाबा को याद उनको हम तो बता दी लेकिन परंतु ये करना ही बात यह है पहले संगम भी कृष्ण दुनिया में प्रत्यक्ष होगा या पहले सचिव का प्रत्यक्ष बच्चे के रूप में जो जन्म लेगा वो प्रत्यक्ष होगा संगम तो वो प्रत्यक्ष हो गया क्या पहले वो ये भी प्रत्यक्ष नहीं उसका मतलब उस संधारा में प्रत्यक्ष होगा तो बाबा वो प्रत्यक्ष होगा वो हम देख लेंगे ना अभी नहीं देख रहे नहीं अभी तो बाबा के रूप में ही देख रहे हम संकट के रूप में देख रहे हैं अभी तो उसके आगे हम कुछ ही नहीं समझ रहे यहाँ बीज रूप आत्माओं में जो चंद्रवंशी बीज रूप है वो भी कृष्ण को पहचाने चंद्रवंशी बीज है उनकी बुद्धि अभी कहाँ डरी हुई है ब्रह्मा में रखी हुई है यह संगम भी कृष्ण में रखी हुई उनकी बुद्धि ब्रह्मा में रखी हुई और ब्रह्मा उनकी क्या वो अवमान समझते हैं जब वो ही ब्रह्मा को वो ही गीता का भगवान ब्रह्मा को समझते हैं तो उनके नीचे जितने भी धर्म वाले हैं वो सब क्या समझेंगे बुद्धि को समझेंगे अब अठारह में जब कृष्ण प्रकट हो गए 2018 में होंगे 2018 में क्या कृष्ण होंगे जी कृष्ण में प्रकट हो गए अभी प्रकट नहीं आते प्रकट हो गए तो बोल रहे अभी आपके सामने प्रकट है कि नहीं है प्रकट है अभी प्रकट है फिर होंगे क्यों धारा दुनिया वाले जो अंग्रेज लोग हैं वो धारा वो इस बात को स्वीकार करेंगे 2018 उनके शास्त्र में जिस लाड कृष्ण की बात आई है उस लाड कृष्ण को उठाने जो शास्त्रों में लिखा समझा है जाना है वो कौन से कृष्ण को जाना है सत्यों के कृष्ण की उनके शास्त्रों में हिस्ट्री है या संगम भी कृष्ण की उनके शास्त्रों में हिस्ट्री है और हम तो कुछ नहीं जानते आप अपने पास रखना नहीं आपके साथ ही रहेंगे आपको चिंता क्यों हो रही है 18 में पैदा होगा तो होगा कि नहीं होगा कि कहाँ होगा सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दो बाबा जाने बाबा नहीं बाबा ये कहे कि पंच मैं तुमको साथ ही रखूंगा ये आदम और हवा है आदम और हवा है एडम और ईव ये पहले पहले तो हम ये मानते थे कि तो आदि में आदि प्रजापिता और जो माता थी उनको मानते थे लेकिन अभी डिस्कशन में माता कौन थी गीता माता गीता माता ही तो दो बता दी हाँ उनमें से कोई एक सच्ची गीता एक झूठी गीता हाँ उनमें से कोई भी एक बोलिए अभी मैं भी डिस्कशन सुना कि राधे राम और कृष्ण है यही आदम और हवा है एडम और ईव ये तो समझने की बात है
प्रवेश करके ब्रह्मा की सोच जो है वो प्रवेश करके ही वह है। बाबा जगदम्बा तो गीता माता है तो फिर ये योगिनी योगिनी कौन है ये समझ नहीं आता। गीता माता जो है वो रुद्रमाला के मणके जो 108 है उनमें सबसे ऊपर कौन से मंत्र है? गीता माता जिसको तुमने बताया जहाँ जगदम्बा है और जगत पिता है उनमें सूर्यवंश का मुखिया कौन है और चंद्रवंश का मुखिया कौन है इनको बताने दो तो वहाँ तो सरस्वती जो बताया था ना उन राजे सरस्वती क्या बताया राजा वो बनेगी राजा बनेगी और ये जगदम्बा है अब जगदम्बा का क्या पाठ है वो माँ काली बनेगी ये माँ काली बनेगी तो योगिनी कौन है ये अरे हम जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दो। रुद्रमाला में सबसे ऊपर कौन से वंश के मांगे हैं कौन से वंश के ग्रुप है सबसे ऊपर तो ब्रह्मा सरस्वती बताया था हम वंश पूछ रहे हैं जो रुद्रमाला में सबसे ऊपर जो ग्रुप है दो ग्रुप होंगे ना उन दो ग्रुप में वो दो ग्रुप का वंश कौन सा है सूर्यवंश और चंद्रवंश सूर्यवंश का मुखिया कौन है अच्छा चलो राम या शंकर जो भी नेक्स्ट बार जो भी हो वो तो हुआ सूर्यवंश का मुखिया चंद्रवंश का मुखिया कौन है अभी है भी है कहीं ब्रह्मा अरे है कहीं ब्रह्मा अभी तो नहीं अभी जो मौजूद है उसमें बताओ ना अरे जगदम्बा तो जगदम्बा सूर्यवंश में नहीं आई जब महाकाली दिखाई जाती है तो महाकाली के मस्तक पे क्या दिखाते हैं चंद्रमा दिखाते हैं दिखाते हैं लेकिन जब नारायण बन जाता है तो दिखाते हैं वो तो हट जाएगा वो तो ब्रह्मा तो क्या बन जाएगा चंद्रवंश का हेड कौन हुआ चंद्रवंशी जो ग्रुप है उसका मुखिया कौन है जगदम्बा और सूर्यवंशी ग्रुप का हेड कौन है जगत पिता तो 12 जो मणके हैं चंद्रवंश के उनमें मुख्य मणका है जगदम्बा तो कौन सी आत्मा प्रवेश होकर पाठ बजाएगी है जगदम्बा में कौन सी आत्मा प्रवेश होकर पाठ बजाएगी ब्रह्मा बाबा की या सरस्वती की माता जी ने सरस्वती का नाम बीच में रख दिया ब्रह्मा की तो वो सरस्वती भी उनके तन से पाठ बजाएगी और ब्रह्मा बाबा भी बजाएगी ये तो आपने अनुमान लगा लिया कि सरस्वती भी बजाएगी तो अभी जन्म नहीं लिया तो कहीं सरस्वती वास्तव में जगदम्बा है क्या नहीं सरस्वती वास्तव में जगदम्बा है क्या वो तो है ही नहीं जगदम्बा और टाइटल मिल गया उनको तो जगदम्बा वास्तव में कौन है कौन है ब्रह्मा तो ब्रह्मा लेखराज थे दादा लेखराज थे तो जगदम्बा थे कि नहीं ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ दुनिया की बड़ी से बड़ी माँ इसलिए तो मुझे बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इस गाड़ी वाले को कैसे रखा जाए इसलिए ये ओम राधे सरस्वती निमित्त बनी थी जगदम्बा तो वास्तव में जगदम्बा कौन है उस समय ब्रह्मा बाबा वही ब्रह्मा बाबा की सोल शरीर छोड़ देती है तो शरीर छोड़ने के बाद फिर जिस नारी चोले में इसी चोले में प्रवेश करे एवं पार्टी में जगदम्बा प्रत्यक्ष होती है प्रवेश कर रहे हैं अंत तक उसमें प्रवेश करके पाठ बजाएगी या बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेश करेगी या बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करेगी और वहां भूल पेट में प्रवेश करके पढ़ लेगी। बाबा ये लौकिक पढ़ाई के बारे में जो बताया था डोगरी पढ़ाई आपके बात का जवाब हो गया क्या ओम राधे नमः क्या बनेगी
राधे ब्रह्मा तो राधे ही बनेगी ना, मतलब की उसमें बनेगी। हाँ बाबा, ये जो लौकिक पढ़ाई को बताया बाबा ने मुगी में कि ये मोगली पढ़ाई है, तो अभी के जो बच्चे हैं तो उनको थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, जब भी देखते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए वो घर में नहीं पढ़ा सकते। जरूरी है कि आज के जो स्कूल में जो बच्चे जो बदतमीजी कर रहे हैं वो बदतमीजी उनको सिखाना ही सिखाना है। तो घर में पढ़ाना ठीक है, बाहर नहीं पढ़ा सकते। उनको अंग्रेजी सिखाओ, हिंदी सिखाओ, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाओ। नहीं कोई किसी के माँ बाप पढ़े हुए नहीं हो तो पढ़ाए, पैसा देने की मतलब जो दी थी ना उसकी रसीदें, तो मैंने तो इनको जून में भर्ती की थी, उसके बाद मैंने दिया थी। अब इसमें जुलाई, अरे आजकल इनकम टैक्स पूछ रहा है उनसे, हाँ ये इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो प्रूफ दे रहे हैं, तो प्रूफ लिखवा लिखवा करके दे रहे हैं, साइन करा करा कर, ये पैसा इनसे आया, ये पैसा इनसे आया, ये पैसा इनसे आया। और बाबा बाबा ने बताया तो बच्चे अपनी संस्था को रजिस्टर्ड थोड़ी करा लेंगे, तुम्हारी तो फैमिली है, फैमिली कोई रजिस्टर्ड कराई जाती है क्या? तो पहले तो कराते कराते कर गए, श्रीमत के खिलाफ काम हुआ या श्रीमत के अनुकूल हुआ? श्रीमती बदलाव काम हो गया। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, और रजिस्ट्रेशन करा के रख लिया, तो खूब पैसा इकट्ठा किया, जितना पैसा आता जाए सरकार बोलती जाएगी, चलो संस्था का पैसा। अब नियम कानून दूसरा बना दिया, उन्होंने हिसाब भी देना पड़ेगा एक एक पैसे का, तो अब वो हिसाब देने के लिए भी मांग रहे हैं। बाबा मैंने सितंबर में तो दिया ही नहीं, जून में भर्ती करने के बाद फिर वो जुलाई में आई, तो जबरदस्ती कहने की हाँ आपको तो देना पड़ेगा, चलो जुलाई में दे दिया, सितंबर अगस्त में मैंने दिया ही नहीं, उसकी भी भर्ती का नहीं दिया तो भी कर दी। हाँ सितंबर में तो मैंने दिया ही नहीं, वो उसने बताओ के लिए मचा हुआ है अंदर। अब उन्हें याद आ रही है कि एडवांस पार्टी वाले जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? बाबा उनको संदेश में जितने भी सेंटर के लोग हैं उनको घर घर जाते संदेश देने लगी बाबा के पास। पहले बोलती थी कि उनको अलग कर दो, निकाल दो, आने मत दो, अभी कहते हैं तुम नए नए निकालो। हाँ यही कहा, तुम नए नए निकालो, आप हमारे उनको उनको पुरानों को खींच ले जाने दो, भगवान के बच्चे, भगवान के बच्चे नहीं रहे आप, यही करते हैं आपके बच्चे थोड़े भगवान के बच्चे तो है। कहती है भोग भोग नहीं लगा रहे हो क्या? मैंने कहा बाबा ने तो ब्रह्मा का पितृ ही रखने को मना किया है तो भोग किसको लगा? प्रकृति पूर्ण तामसिक बनके सब संपूर्ण विनाश होता है, संपूर्ण विनाश तो 2036 के आसपास होगा, 36 में। तो इसका मतलब प्रकृति यानी जगदम्बा 2036 तक पावन नहीं बनेगी। अगर जगदम्बा ही संपूर्ण पावन बन जाए तो जगदम्बा को भी नारी से क्या बनना चाहिए? लक्ष्मी क्या है जीवन का? नारी से लक्ष्मी बनना, संपूर्ण नारी से संपूर्ण लक्ष्मी बनती है क्या? है लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ,
ब्रह्मा को लक्ष्य प्राप्त हुआ? ब्रह्मा को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, असली जगदम्बा तो ब्रह्मा है। शयन शक्ति का पाठ किसने बजाया? ब्रह्मा ने। जगदम्बा का पाठ है वो शयन शक्ति का पाठ बजाने वाली आत्मा है, या बेसिक नॉलेज में जो दादा लेख राज उस पर ब्रह्मा की आत्मा है वो शयन शक्ति का पाठ बजाने वाली है? शयन शक्ति का पाठ किसने बजाया? तो जिसने सहन शक्ति का पाठ बजाया वही माँ है, बड़ी माँ। तन जो है वो दूसरा है। क्लियरिटी, हम बच्चे जो है तन को दे रहे हैं या मनुष्य रूपी आत्मा को दे रहे हैं? रूपी आत्मा को। क्लियरिटी बाबा, ये 108 की माला का अंतिम मणका, 108 की माला में भी है अंतिम मणका का हेड है जो 108 की माला बनती है उसमें अंतिम मणका। हाँ, जगदम्बा नहीं होगा तो 2036 के लिए 2036 की बात छोड़ो, 1936 की बात उठाओ। वहाँ कौन सी आत्मा को सब बच्चों ने दबोच लिया और प्रजापिता को नहीं दबोच पाया? ब्रह्मा राजा के ब्रह्मा को दबोच लिया, तो सबसे कमजोर हुआ नहीं? सबके प्रभाव में आ गया, हर बच्चे के प्रभाव में माता आ गया। गीता का भगवान श्री कृष्ण ने फिर वहीं से चुन लिया, नहीं क्या होगा तो श्रुति होगी। आठवां 108वां मणका कौन सा हुआ? अरे लास्ट मणका कौन सा हुआ? माला है तो माला में एक फर्स्ट मणका है और एक लास्ट मणका है। तो सूर्यवंशी तो है, सूर्यवंशी 4.5 लाख कंचन काया बनेंगे, साथी बनेंगे आत्मा, लेकिन ये 108वां मणका है फिर भी नहीं बन रहा, तो समझ में नहीं आएगा। क्या बात है, लास्ट में तो कभी सूर्यवंशी बने, लास्ट में बनना है या फर्स्ट में बनना है? 108 तो पहले ही बन जाएगी। तो हम ये पूछ रहे हैं कि एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। ये तो अभी 2000 फर्स्ट ग्रुप को ही होगा कि नहीं? हाँ, सूर्यवंशी को। तो असली सूर्यवंशी कौन सा हुआ? जो असली सूर्यवंशी होगा और जो लास्ट में सूर्यवंशी बनेगा तो उसमें ज्यादा पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा किसको महसूस होगी और मोहब्बत ज्यादा किसको महसूस होगी? जो फर्स्ट है वो असली है और जो लास्ट है वो नकली है, ऐसे याद आ रहा तुम? तो सत्युग में फर्स्ट नारायण बनेगा और जो संगम युग में फर्स्ट नारायण बनेगा, अंतर हो जाएगा ना बाबा। जगदम्बा जब महाकाली बनी थी तो वो ठीक ही बनेगी या बन चुकी है? नहीं, बन चुकी कहाँ, वो तो पार्ट ऑफ लेगा ना उसका है? तो अभी वो जो माउंट आबू जाएगी तो ज्ञान के द्वारा ही उनको समझाएगी कि कोई हिंसक कार्य करे। जगदम्बा समझा करके बाप का बनाएगी या अनिश्चय बुद्धि बनाएगी? ना यही मैं पूछ रही हूँ, बाप का बनाएगी ना? जो महाकाली का पार्ट है वो आसुरों को खलास करने का है या आसुरों को देवता बनाने का है? खलास करने का है, तो वो ज्ञानी सुनाएगी, जो नहीं समझेंगे वो निकल जाएंगे, यही होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादातर अभी असुर बैठे हुए हैं कि देवता बैठे हुए हैं? असुर भी हैं। असुर बैठे हुए हैं, उनका खलास हो जाए, इतने सारी स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? नहीं, पर तन से खत्म यूं मारकर थोड़ी करेगी, ज्ञान से ही समझेगी ना, ये नेगेटिव समझ रहा है। ज्ञान से नहीं समझेंगे तो निकल जाएंगे। और शिव तो है कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी माना कहा जाता है, लेकिन शंकर विनाश थोड़ी करता है। बोला है शंकर विनाश करता है क्या? शंकर तो विनाश थोड़ी करता है। जो विनाश ही हो रहा है निमित्त बनती है ना, शंकर विनाश नहीं करता, जो वैसे विनाश मार्का का थोड़े होता है।
विनाश बुद्धि का विनाश ना हो, हाँ बुद्धि का विनाश, लेकिन बुद्धि को हिला दिया, हाँ तो विनाश हुआ नहीं, तो विनाश तो शंकर ही कर रहे हैं, बुद्धि को हिला दिया, बुद्धि को ज्ञान से बुद्धि बना दिया, वो ज्ञान के द्वारा बुद्धि बना दिया, बाप बाप है ही नहीं, वो तो ब्रह्मा बाबा ने बनाया, तो ब्रह्मा बाबा जिसमें प्रवेश करेगा, जिसमें प्रवेश करेगा उसको नहीं बनाएगा, जब ब्रह्मा की सोच तमो प्रधान बनेगी या जगदम्बा की सोच तमो प्रधान बनेगी तो वो स्थापना करेगी कि विनाश करेगी, विनाश करेगी, अच्छा वही आत्मा विनाश करेगी तो और जो दूसरे दूसरे धर्म के जो बीच है वो विनाश का काम ज्यादा करेगी स्थापना का काम करेगी, सारा विनाश का काम करेगी, बाबा जब ब्रह्मा ने ज्ञान दिया है ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बने दो, एक तो मुगल को साहब, अभी जो पाठ चल रहा है अभी तो वो पाठ तो वो चल रहा है, अभी जो कुक वंशावली है ना उनका विनाश का काम हो रहा है, जो कुक वंशावली है वो कुक को दे देंगे, उनका विनाश हो रहा है, जो कुक वंशावली है उनका विनाश, ज्ञान उनको मिल रहा है तो हम तो उससे तो हट गए ना, उस विनाश से तो हट गए ना, विनाश कहते रहे, हाँ जो मुखवंशावली में थे पहले हम लोग, अब मुखवंशावली में हो गए नहीं, वो तो बेसिक नॉलेज की बात हुई, बेसिक नॉलेज में मुखवंशावली भी है, मुखवंशावली भी है, एडवांस नॉलेज में भी दोनों है, मुखवंशावली वो है जो देहधारी को पकड़ते हैं क्या, और मुखवंशावली है जो ज्ञान मुख को पकड़ते हैं, मुख से जो बात निकली वही ब्रह्म वाक्य जनार्दन, हम और किसी को नहीं मानेंगे, एक शिव बाबा दूसरा कोई, और कोई जगदम्बा की मत पहचान पड़े तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई हुआ, एक से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति, तो मनुष्य गुरुओं में सबसे पहला गुरु कौन सा हुआ, वो तो गए खत्म हो गए, साबित दुनिया में पहला गुरु कौन, सबसे बड़ा गुरु, ये बात कृष्ण ने बोला सच्ची, ये सब हमारे पड़े हैं निमित्त मात्र हूँ मैं, तो वो बात अब चल रही है सर, और कौन सी जो बातें हैं और कहाँ मिल गए सर, अच्छी जो भी बातें हैं वो सब एक ही समय की तो बातें हैं, निश्चय और अनिश्चय की, एक आदमी को जो पूरा बोल रहे हो वो आप सुनते तो है क्या, उधर से बोल रहे थे, हाँ बोलिए, बाबा ने बोला है कि पांडवों का युद्ध माया के साथ है, कौरवों का युद्ध तुम्हारे साथ नहीं है, कौरवों का युद्ध मुसलमानों के साथ है, कौरव है उसका कौरव का अर्थ क्या हुआ, कौरव बेचारे फालतू गाँव गाँव करते रहे ना अंदर से गंद खाते रहे ना, उनका उनका ये 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 अंदर से लक्ष्य छोड़े ही है कि हमको नर से नारायण जैसा बनना है, हमको ब्राह्मण से देवता बनना है, नहीं तो उनकी हमारे से भी लड़ाई है, हमारे साथ भी है और मुसलमानों के साथ भी है, वो आपस में भी लड़ पड़ेंगे, हिंदुस्तान में कौरव भी है बाहर की दुनिया में, उनका राज्य है अभी कौरवों का, और यहाँ से मुसलमान भी घुसे हुए, दोनों तरफ से हिंदुस्तान को घेरा हुआ, उधर बांग्लादेश में घेरा हुआ है, उधर पाकिस्तान में घेरा हुआ है, लड़ाई होगी कि नहीं होगी, बोला अभी ये माता बोल रही जिसको तो बोल लेने दो, नंबर वार काम करो, हाँ बोलो, बाबा ने बोला था एक मंदिर में, अब वो माता बोल रहे हैं उनको बोल रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, वार्तालाप में बोला कि प्रश्न चित्त रहो, प्रश्न चित्त नहीं, प्रश्न ही मतलब समस्या का स्वरूप है, तो क्या सभा में प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये भी तो बताया है वेदवाणी में,
कि पूछने के भी दो अंतर से राज होते हैं। एक होता है आपको जिज्ञासा को शांत करना और एक होता है विरोध करना। जो विरोध करने वाले हैं वो शास्त्रों में और चित्रों में दिखाए गए हैं कि जब सागर मंथन हुआ तो उन्होंने मुंह पकड़ा, तुमने ऐसे कहा, मुर्ली ने ऐसे कहा, ग्लैन पीटर्स ने ऐसे कहा, आप ऐसे कर रहे हैं, ये कैसे शांत हुआ? मुंह पकड़ना हो गया। और कोई ऐसे होते हैं कि समझाने गए कहीं और किसी ने प्रश्न कर दिया, नहीं समझा सके, तो आदमी पूछते हैं कि बाबा इसका क्या मतलब, हमको जवाब सही नहीं दे पाए, या जो दिया जवाब उससे हम संतुष्ट नहीं है, हम खुद ही संतुष्ट नहीं है, तो सही जवाब वो बता दो। तो भाव देखा जाता है हर काम में, भाव क्या है, भाव विरोध करने का है या भाव सहयोग करने का है। विरोध करने का है तो प्रसन्नचित्त हो गया। खत्म ही नहीं है, जैसे राम रावण युद्ध दिखाया गया तो वो राम बार बार बाण मारते हैं, सर कट जाता है फिर आ जाता है, फिर सर कट जाता है फिर आ जाता है, वो बार बार सर काटते जाए, बार बार सर नए नए वो उठते चले जाते हैं। तो बाद में कहा नाभिकुंड भी युद्ध वह जाके, नाभिकुंड में अमृत भरा हुआ है उसको फोड़ दो। ये भी नहीं है, लेकिन ये इतना साबित होता है कि उनको प्रश्न उठता नहीं है विरोध में कोई, अगर उठता भी है तो जिज्ञासा शांत करने की, जिज्ञासा शांत हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक, उन्हें कोई अंदर से तलखीलापन आने वाला नहीं है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो मनन चिंतन जो है वो चिंतन का होगा या प्रचिंतन का होगा? हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन एक तो होता है प्रचिंतन और एक होता है प्रचिंतन, तो कौन सा चिंतन है? तो प्रचिंतन करने वाले के लिए कोई जरूरी नहीं है। और मुरली में तो ये बोला है कि बाप आकर खुद ही तुमको सारी बातें बताते हैं, पहले तुम कुछ जानते थे क्या? बेसिक नॉलेज आने से पहले कुछ जानते थे क्या? अच्छा, एडवांस में आने से पहले कुछ जानते थे क्या? नहीं जानते थे, बाप ने तो सब कुछ बताया, अब तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? बाबा अगर समय देते हैं आधा घंटा एक घंटा की वार्तालाप करो, बातचीत करो, अगर कभी इसी स्टेज में बैठ जाए कि हमें प्रश्न पूछना ही नहीं है तो वार्तालाप की कैसे बातचीत? ऐसे हो ही नहीं सकता, अगर सब बैठ जाए कि हमें प्रश्न पूछना ही नहीं है तो ये हठयोग हुआ या सहजयोग हुआ? ये तो हठयोग है, अंदर से प्रश्न आ रहा है तुम बाहर से नहीं पूछोगे, अंदर से आता रहे, अंदर से घुमड़ता रहेगा और ज्यादा बुद्धि खराब करेगा। कौन मना करता है? मना वो करे जिसको अंदर से डर हो, पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ दिया, जवाब दे पाए ना दे पाए, वो गुरु लोग अपनी सलाह होगी जो प्रश्न नहीं पूछेंगे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई किताबों का रटा हुआ ज्ञान थोड़े, तो बाप का दिया हुआ ज्ञान। कितनी भी बाग में से खाद निकालू हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। एक घंटा तो हो गए, कुछ और पूछना करना है या कुछ ऐसा कुछ?
बहुत जरूरी है स्कूल में नहीं जाता है ना जी। अभी क्या पक्का प्रूफ क्या है वो जगदम्बा की आत्मा हमको नहीं पता। जब बताने के क्यों पहले कोर्ट में जो बताते हैं तो कोर्ट बताने वाले अनेक प्रकार के लोग बिना प्रूफ को प्रमाण के कैसे कहा जा सकता है कि वो जगदम्बा वाली आत्मा। बाबा जी एक प्रवेश करता हूँ ऐसे तो नहीं बोला ऐसी कोई मूल्य में नहीं बोला कि मैं तीनों में प्रवेश करता हूँ। जो बाबा आते हैं तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं अकेले नहीं आते ये बोला तीनों में प्रवेश करता हूँ लेकिन बोलता हूँ ये कोई जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल पार्ट बजा लेंगे जो प्रैक्टिकल पार्टी होगी उसके द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट बजा लेंगे या मुक्त सुना देंगे। एक है प्लानिंग पार्टी जो है रहने देना और आपका एक है प्रैक्टिकल पार्टी और एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी। इंस्पिरेट करने वाला का काम इंस्पिरेट करना सुनाने वाले का काम सुनाना प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले का काम प्रैक्टिकल पार्ट।